दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है कि हम घबरा के मुहब्बत कर बैठे। आइए दोस्तों बात करते हैं 60 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री तनुजा की। इनका जन्म 23 सितंबर 1943 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता कुमार सेन समर्थ फिल्म निर्माता थे और मां शोभना समर्थ जानी मानी फिल्म अभिनेत्री थी। सच कहा आपने इस वक्त मुझे इनकी बहन नूतन भी 60 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। नूतन के अलावा इनकी दो बहनें और थी जिनका नाम चतुरा और रेशमा था। इनका एक भाई था जिसका नाम जयदीप था। जब तनुजा बहुत छोटी थी तब इनके माता पिता में अनबन हो गई थी और दोनों अलग अलग रहने लग गए थे। तनुजा को फिल्मों में लाने का श्रेय इनकी माँ शोभना समर्थ को जाता है। नूतन को भी फिल्मों में शोभना समर्थ ही लाई थी। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1950 की फिल्म हमारी बेटी से की थी। इस फिल्म में इन्होंने एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। फिल्म में मुख्य अभिनेत्री इनकी बहन नूतन थी। ये फिल्म इनकी मां शोभना समर्थ ने बनाई थी। पढ़ाई में तनुजा का मन बिल्कुल भी नहीं लगता था, इसलिए इन्होंने केवल अपनी स्कूली शिक्षा ही पूरी की। कॉलेज में प्रवेश लेने के समय इन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में 1960 की फिल्म छबीली में अभिनय किया। ये प्यार है गहरा सागर, है चुप के तुझको जाना दिल भर जानी, मुझे जाना तो हो मेरी जान, मेरी जान। फिल्म छबीली में मुख्य अभिनेत्री नूतन थी, ये सहायक अभिनेत्री के तौर पर थी। फिल्म का निर्देशन इनकी माँ शोभना समर्थ ने किया था। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर इनकी पहली फिल्म फिर हमारी याद आएगी थी, जिसका निर्देशन केदार शर्मा ने किया था। इनकी ये फिल्म सफल रही थी। उसके बाद तनुजा ने बाहरें फिर भी आएंगी, ज्वेलथी, इज्जत, जीने की राय, पैसा या प्यार, हाथी मेरे साथी और एक बार मुस्कुरा दो जैसी सफल फिल्मों में अभिनय किया। तनुजा ने कुछ बंगाली फिल्मों में भी काम किया था। बंगाली अभिनेता उत्तम कुमार के साथ इनकी जोड़ी हिट रही थी। हिंदी फिल्मों में ये अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन अपनी बहन नूतन जैसा मुकाम हासिल नहीं कर सकी। जीने की राय, हाथी मेरे साथी और एक बार मुस्कुरा दो जैसी फिल्मों के अलावा इन्होंने कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं दी। ज्यादातर फिल्मों में ये सहायक अभिनेत्री के तौर पर दिखाई दी थी। चैनाए मेरे दिल को दुआ कीजिए। साल 1973 में इन्होंने फिल्म निर्माता और निर्देशक सोमू मुखर्जी से शादी कर ली थी। मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं। इन्होंने दो बेटियों काजोल और तनिषा को जन्म दिया था। काजोल ने अभिनय के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाया था। तनिषा ने कुछ फिल्मों में काम किया था लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। तनुजा के पति सोमू मुखर्जी और रानी मुखर्जी के पिता राम मुखर्जी चचेरे भाई थे, इसलिए रानी मुखर्जी इनकी भतीजी हो गई और ये रानी मुखर्जी की ताई हैं। शादी के बाद इन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था और अपनी बेटियों की परवरिश करने में व्यस्त हो गई थी। शादी के 10 साल बाद इनकी पति के साथ अनबन हो गई थी, अपने पति से अलग रहने लग गई थी। हालांकि इन्होंने तलाक नहीं लिया था। उसके बाद इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। इस बार इनको चरित्र भूमिकाएँ मिलने लगी थी। अपने पूरे फिल्मी करियर में इन्होंने लगभग 80 फिल्मों में अभिनय किया था। मेरा
10 अप्रैल 2008 को 64 साल की उम्र में इनके पति सोमू मुखर्जी का निधन हो गया था। साठ के दशक में तनुजा एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जो फिल्म के सेट पर और सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीती थी। इन्होंने कहा भी था कि मैं सिगरेट की लत को सिगरेट पीता देख कर इनकी बेटी तनिषा को भी सिगरेट पीने की लत लग गई। बिग बॉस में उन्होंने बताया था कि मैंने सिगरेट पीना अपनी माँ से सीखा था। जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। कहा जाता है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिनेता धर्मेंद्र इनसे प्रेम का निवेदन कर बैठे थे। धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और 2-3 बच्चों के पिता थे। इन्होंने धर्मेंद्र के प्रेम निवेदन का जवाब एक थप्पड़ से दिया था। इन्होंने एक साक्षात्कार में बताया था कि धर्मेंद्र शादीशुदा थे और बच्चों के पिता थे, ऐसे में उनको इस तरह की हरकत शोभा नहीं देती। फिर धर्मेंद्र ने इनको बहन बोलकर माफ़ी मांगी थी और राखी बांधने के लिए कहा था। इन्होंने एक काले रंग का धागा धर्मेंद्र की कलाई पर बांध दिया था। जान गई मैं सजना तेरे दिल की बोली, दिल की बोली। अब ये मुंबई में अपनी बेटी तनिषा के साथ रहती हैं। दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, झुके झुके निगाह में भी है बला की शोभा। तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है फुर्सत भी है। दिल तोड़ोगे एक बार मुस्कुरा दो, आपने दीवाना बना डाला है। कुछ भी नहीं।